Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Monica Tikaria, आज मैं आप लोगों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप CCI एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सिलेबस में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पार्ट वन डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पार्ट। अगर आप इस ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको 799 रुपीज फोन पे ऐप से इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। इस बुक में आपको क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF, वीडियो लेक्चर्स और साथ साथ में कुछ मटेरियल ऑफ मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2004 लोकेटेड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्कीम टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंडेवर्स। गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम शुरू की गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, परंपरागत कृषि विकास योजना। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फिल इन द ब्लैंक शुड बी स्प्रेड ऑन प्लांट्स एट द फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नीम ऑयल। पैराक्वेट हर्बिसाइड है, केमिकल हर्बिसाइड है, फोलियर स्प्रे ब्यूरिट भी केमिकल हर्बिसाइड है, GA3 प्लांट हार्मोन है, इसलिए ये तीनों यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट बिगेन इन द ईयर। द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए, 1930। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सिक्स क्वेश्चन क्या है, लीसा इज रिलेटेड टू। लीसा क्या है, लो एक्सटेंसिव इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये किससे रिलेट करता है, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज पोजीशन एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन वर्ल्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पूछे एरिया पूछे और यहाँ पे पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ केस फॉर इंटेंसिव मॉडर्न फार्मिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हाट इज द कैपिटल सब्सिडी फॉर बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड यूनिट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी ड्यूरिंग मई 2001 एंड ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड अंडर द लोगो इंडिया ऑर्गेनिक। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। यहाँ पे पूछे कि कौन सा ऐसे एजेंसी है जो स्टैंडर्डाइज करता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को, और फिर उसको किस लोगों के अंडर में बेचा जाता है मार्केट में, इंडिया ऑर्गेनिक के लोगों के नाम से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट NSOP स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मई 2001।
यहाँ पर लिखा है मई 2001, यही क्वेश्चन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। द करेक्ट ऑप्शन इज बी लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द बेस्ट एलाइड इंटरप्राइज टू द फार्मर्स व्हेन द मेन क्रॉप इज राइस। अगर मेन क्रॉप राइस है तो उसके साथ एलाइड इंटरप्राइज कौन सा होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी फिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम इज अदरवाइज नोन एज। द करेक्ट ऑप्शन इज ए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी रिस्क अवर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग सिस्टम इज ए फार्मिंग सिस्टम कौन सा अप्रोच है। द करेक्ट ऑप्शन इज होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग नो सोर्स ऑफ इनकम इक्वल एज मच एज फिल इन द ब्लैंक पर्सन इन टोटल इनकम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिप्रेजेंट्स ओनली परसेंट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग आउट ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। टोटल कल्टिवेटेड एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कितना है इंडिया में। इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम फॉर कन्वर्शन ऑफ पेरिनियल ऑर्गेनिक क्रॉप। कन्वर्शन पीरियड मीन्स ऑर्गेनिक क्रॉप का प्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 3 साल के बाद उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है। द गैप बिटवीन द थ्री बिटवीन ऑर्गेनिक स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड सर्टिफिकेशन दैट इज द कॉल्ड एज कन्वर्जन पीरियड। तो वो कितने साल का होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड इनकॉर्पोरेशन इन द सेम फील्ड देन इट इज कॉल्ड एज इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम रिलाय ऑन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी क्रॉप रेसिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलार हीटिंग ऑफ सॉइल बाय कन्वर्टिंग वेट सॉइल विद पॉलीथीन कवर इज नोन एज। द करेक्ट ऑप्शन इज सोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाथुर विल बिकम द फर्स्ट ब्लॉक पंचायत टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स। अलाथुर इज इन अलाथुर कौन से स्टेट में है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगव्य डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंट्स आर। पंचगव्य एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। 3 डायरेक्ट एलिमेंट्स होते हैं और 2 डिराइव्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। मिल्क काउडंग यूरिन सॉरी दिस इज यूरिन। देन द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। 27th क्वेश्चन, पंचगव्य डिराइव्ड कंस्टिट्यूएंट्स आर मतलब जो डायरेक्टली हमको नहीं मिलता, इनडायरेक्ट के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि इसका ऑप्शन है घी एंड कर्ड। घी जो है मिल्क से बनता है और कर्ड भी मिल्क से मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। मिल्क हमको डायरेक्ट मिलता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिराइव्ड कंस्टिट्यूएंट्स। देन द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is allowed in organic farming? The correct option is B. Buffer zones. Next question. IFOM, umbrella organization established in. IFOM ka full form hai International Federation of Organic Agriculture Movement. To iska correct option hai. Kab established hua tha? In 1972. Next question. Safflower cake having nitrogen percentage. The correct option is B 7.9. ये highest है, सबसे ज्यादा safflower में ही nitrogen percentage होता है cake में। उसके बाद next आता है groundnut का जिसमें 7.3 होता है। Next question,
Fill in the blank reduces the nutrient losses and enrich FIM. The correct option is D, all of these. Next question. Green manuring crops suitable for lowland rice field. The correct option is A, Sesbania. Next question. Fresh poultry manure creates. The correct option is B, alkalinity. 33rd question. The fill in the blank concept among plant, soil, animal and biosphere support the idea of mixed farming. The correct option is synergistic concept. Next question. Commercial herbicide first appeared in USA market in early 1980. Kaun sa hai jo sabse pehle US market mein aaya? That is the correct option is A, Divine. Next question. The head office of International Federation of Organic Agriculture Movement situated. Iska headquarter kahan present hai? The correct option is Germany. Next question. Fill in the blank state is popularizing for organic cotton production in. The correct option is C, Maharashtra. Next question. The process involves covering the ground with a transparent polythene cover is known as. The correct option is solarization. Next question. Green manuring is done by growing crop in field and incorporated in field usually belongs to which family? The correct option is A, Leguminaceae. Next question. Which act as a nitrification inhibitor? The correct option is neem cake. Neem cake mein ek alkaloid hota hai, nimbicidine and nimbidine, jo responsible hota hai nitrification inhibitors ke liye. Next question. Vermiwash major constituent is? The correct option is C, psyllomic fluid. Next question. Fill in the blank is a osmophile / saccharophile philic means high concentration of sugar bacteria and used as commercialization for sugarcane sweet potato. Aisa kaun sa bacteria hai? The correct option is A, acetobacter. Next question. Which of these not allowed in sewage sludge? Sorry. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीवेज स्लज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्टेड इन इंडिया द करेक्ट ऑप्शन इज ए 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन गैप बिटवीन स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप is called as the correct option is A, conversion period. Next question. Father of organic farming. Kaun hai? The correct option is Albert Howard. Next question. Father of natural farming. The correct option is Fukuyama. Don't confuse with the questions. Next question. Which crop is grown as a trap crop in tomato for management of Helicobarba armigera? The correct option is A, marigold. Next question. Fill in the blank crop is grown as trap crop in sesame for reduce the population of red hairy caterpillar. The correct option is D, cowpea. Next question. Vermicompost phosphorus percent is? The correct option is C, 0.1-0.2%. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए लास्ट ईयर हमने कॉटन कॉर्पोरेशन में 3 सिलेक्शंस दिए थे Thank you for watching this video.